एक दिन पूछने लगे, कीर्तन कर रहा सा, इशारा किया, मैं चुप हो गया। कहने लगे तेरा ब्याह होया है? मैं बड़ा हैरान भाई, बच्चे सज्जे खब्बे बैठे और बाबा जी नू पता है, ते फिर पुछदे ने भी तेरा ब्याह होया है? की जवाब दिंदा, खबरे किथे बोलदे पए, कौन पहुंचे उत्थे? महापुरुख दी गल दी समझ ना आवे तो चुप रहना ही भला, मत कोई गल गलत निकल जावे। जा मैं चुप रहा तो कहने लगे तेरा ब्याह होया, बोलदा नहीं। मैं फिर भी ना बोलिया तो कहने लगे किसी का ब्याह कराए ही? मैं शेर जी कराए तो बचकरिया ने, आनंद कारज बहुत करवाए हैं, ते आपना? मैं मुड़ सजे खबे देखे, मैं इशारे तो समझ लैणगे मैं की आख। कहने लगे मैं ब्याह नहीं पुछदा, मैं तो पुछदा तेरा गुरु दे चरणा नाल ब्याह होया है? ए लावां ते उस ब्याह वास्ते उचारियां सन, इस नाल असी दुनियावी कार्ज भी करदे हां, आनंद कार्ज करने भी लावां पढ़ो, क्योंकि साडे हर कार्ज विच गुरबाणी सहायक है। बाणी दा असी आसरा लैंदे हां, पर सारी जितनी बाणी रची है परमार्थ वास्ते रची है। मैं पुछदा तेरा गुरु नानक दे चरणा नाल विया होया है? मैं की आखदा, चुप रहा। कहन लगे भाई जी जे नहीं होया ते आज कर ले, पढ़ लावा तेरा विया करी। जा मैं ना पढ़न लगा, कहन लगे नहीं नहीं इंज नहीं, चुप कर दिया। असी तो इसे तरह ही पढ़ते थे। बाबा जी कहन लगे नहीं, पहले किसे ब्याह पढ़ाने वाले नू बुला लो, नाल बिठा लो, बाबा लगन गणाए हम भी बनिया सहरे। महापुरुख नू सद विच बवे गवाही देने वाला, आखे मेरे सामने होया है, इसका ब्याह मैं कराया था। फिर भी कोई समझ ना आई, ये समझा कितों? महापुरुख दी संगत बिना कोई समझ नहीं आऊंगा, ना लोक दी ना परलोक दी, ना अर्थ दी ना परमार्थ दी। हां ते असी बड़े सियाने, बड़िया सियाणपां करदे, पर ये अखर असी नहीं पढ़े, सुनिया ही नहीं। बाबा जी तू बिना कदे गल्ला सुनिया ही नहीं, तो सुनिया होंदियां ते फिर भी कोई स्रोत होंदी पले, पर सुनिया ही नहीं सन। बाबा जी दी हर अदा वखरी, हर अदा अनोखी, जुती तक भी बाबा जी दी ऐसी किसे संत साधने ऐसी ना पाए, सोटी भी ऐसी रखी के किसे व्यत विच ना रखी, पग भी ऐसी बद्दी के किसे दी नहीं दिखी, चोला भी ऐसा पाया होया कदे किसे ने ऐसा चोला नहीं पाया। हर चीज बाबा जी दी अनोखी, हर अदा वखरी, और मर्यादा भी जगत तो विलखण। कहन लगे नहीं जा चाहिए, नहीं आ। फिर बाबा जी ने आप गोडे ते हाथ मार के कदे बोलदे सन धीमी जी आवाज विच, गोडे ते हाथ मार के नाल ताल देना ते बोलना। एक दिन सोदर लाउन लगे, कहने लगे भाई जी जोड़ी नहीं ठीक बजदी, दफा इंज नहीं मारी दा, न समझ आई। बाबा जी ने गोडिया ते बजा के दसिया, फिर भी समझ कोई ना आई। कहने लगे जोड़ी ले आऊ दे, जोड़ी अगे रख के हाथ मार के दसिया, सोदर नाल जोड़ी इंज बजाई दी। बाबा जी कहन लगे भी सानू ही पता कितने सी, दरगाह विच जिस तरह वेखदे हैं, क्योंकि उत्थे इंज वजदी है। सतसंग बोलो ये दाता उत्थों आईया, ये बख्शीशा उत्थों दियां। तो कहन लगे नहीं समझ आई जी, नहीं आई। हथ नाल ताल दे के गोडे दे उत्ते कहन लगे, पहला विआह कराउण वाले नू तो सद,
पहला एक पंक्ति पढ़ ले ना पिछों पढ़ी। तो बाबा जी ने फिर आप पढ़ के दसी संतां की होए दासरी। बड़ी धीमी जी आवाज विच अभ्यासी सन ना, अभ्यास करने वाले उच्चा नहीं बोल सके, बोल दे ही नहीं। धीमी आवाज पर कितनी मिठी और कितनी मिठास। संता की होए दासरी बहनी दासरी ये अचारा सिखरी हर पैलड़ी ला। तुक पहला पढ़ संतां दी दासरी बन ते व्याह करा। एवं कौन करदा किसे दा व्याह? असी तां कर दिंदे आ ना 10-20-40-50 लैके, महापुरखे ज नहीं करदे। संतां की होए दासरी ए अचारा सिखरी, उन्हां नूं सद दासरी बन ओ तेरा व्याह कराउणी है। कहण लगे हुण समझ आई उपर चार लावां पढ़ाई। हैरान हुंदे सां किस तरह व्याह हो गया। ए ते अकलां पिछों आईयां बाबा जी दे बाद, पिछों आईयां। केड़ी ताकत वरदे सां उस वेले? कोई समझ आउंदी सी नहीं, पर समय ने सब कुछ दसिया कि वो केड़ी ताकत सी। तो महापुरुख दी सेवा कीती होई, संगत विच समा गुजारे आया, नितनेम विच मन लाया होया, साध संगत समा आवेगा जिस वेले दा फल प्रगट होवेगा। अज जे बीज बीजिए अजो ही फलेगा, अज दरख्त लाइए अज ही उन्हूं फल लग जाएगा, कुछ समा लगेगा ना। इसे तरह नितनेम दी गंड पा पीड़ी, मन साईं दे दरदा भगत दरसवन कीरत गाम दे समा गुजार। अपना बंदा तो सब कोई है, अपना गुलाम अपने वास्ते करदा फिरदा है। गुरु दी खातर गुरु दा बंदा बन के गुरु रामदास पातशाह नू जिस वेले कुंगड़ियां वेचदे सन, टोकरी कुंगड़ियां दे सिर ते चुकी होई सी, अमरदास पातशाह ने एक बारी आखिया, रामदासा आ टोकरी सुट दे घर दी चुक लै। सत वचन ये साखी बाबा जी ने एक दिन आप सुनाई दी। आखन लगे राजा सिया बाहर दियां टोकरियां चुकी फिर दे घर दी चुक लै, मैनू समझ ना आई। मैं प्रोग्राम दिता होया सी ना भी जाने बाहर दीवान ते मुड़ मुड़ आग्या मंगा। बाबा जी कहन लगे बाहर दी टोकरी चुकी फिर ना घर दी चुक लै, जे मजूरी करनी है गुरु अगे कर लै, बंदे अगे कादी करनी। फिर भी समझ ना आई, कहन लगे ओ कीर्तन ही करना है ना, लोकां अगे ना कर गुरु अगे कर लै। लोक ज्यादा देने गुरु थोड़ा देवेगा, बस यही तो प्रतीत है। जिन्हों ये प्रतीत आ गई है कि गुरु अगे करनी है और गुरु ने देना, उसनों कोई भुख नहीं रही। कर सेवा पार ब्रह्म गुरु भुख रहे न काए, कोई भुख नहीं रहिंदी। भुख उन्हां नूं व्यापदी साहिब आखदे ने जिस जन तेरी भुख है इस दुख न व्यापे। तेरी भुख लग गई जिन्हां नूं उन्हां दे दुख मिट गए, कोई दुख बाकी ना रहा। पर सानू भुख ना लगी गुरु दी, गुरु दे कीर्तन दी, गुरु दे नाम दी, गुरु दी संगत दी। आ भुख किते लग जांदी जाग पैंदी, जिहनूं भुख नहीं लगदी भुख जिहदी मर गई है बीमार है, हौली हौली मौत दे मूंह च जा रहे है। ते जे भुख लगन लग पई है तां डाक्टर समझदा हुण दवाई लगी, हुण मेरी दवाई कारगर होवेगी। भुख लग पई सू साचे नाम की लग भूख, किसे भगवान नू लगदी ए भुख लगदी है किसे बड़िया भागा वाले नू। अमृत वेले भई मैं उठ पवां, सुता की प्या करदा ओ कबीर, सुता क्या करे सौके की प्या करना। जाग रोए पै दुख, जाग गुरु दे चरण फड़ के रो, बड़ा दुख है तेरे सिर दे उत्ते। ओ जांका गास बासा गोर में से क्यों सोवे सुख, अखीर जी ने गोर विच जा सौणा ओ हुण सुख दी नींदर सुता पिया क्यों। करन वाला कम कर चुका है,
ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਬੇ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ। ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਟਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।